and the film is fantastic. They are fantastic. Thank you. I think एक नया genre है. I think मुझे वैसे भी मुझे James Bond की films बहुत पसंद है. So I really like this film. It was really cool. और वैसे भी मैं करीना के लिए तो बहुत ही lucky रहा हूँ. चाहे वो देसी बजा दे देसी बीट डोल बॉडीगार्ड हिट गई है और मौजा ही मौजा जब भी मैट तो ये मेरा थर्ड सॉन्ग उनके साथ है पुंगी सो इट विल रॉक. बॉन्ड की तो आपके हिसाब से सैफ के अलावा और कौन है जो बॉन्ड? आई थिंक सैफ मेक्स द कूलेस्ट बॉन्ड. बहुत अच्छा. आई लव इट. आई लव इट. चलो चलो चलो. बड़ा अच्छा म्यूजिक है. भी अच्छा है. ये डिफरेंट टाइप की फिल्म है. बड़ी फास्ट पेस पिक्चर है. अभी देखिए ये फिल्म जो है ये बड़ी लोग पसंद करते हैं. कास्ट एंड क्रू ट्रायल आई थिंक इट वेंट रियली वेल. इट्स बेटर देन व्हाट वाज इन द स्क्रिप्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी. आपने जो भी फिल्म आपके ज़हन में आई क्या सोच के आपने सोचा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए? वो तो मैं अभी पिछले दो हफ्ते से इसी बार में बक 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 कही मैं मर गया हूँ. अभी खत्म हो गया यार. कल रिलीज हो रही है. नहीं हमें लगा कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया होगा एक स्पाई थ्रिलर बनाने के लिए. पहले बनाते थे और काफी टाइम से हमने बनाया नहीं. तो ये जब भी बनी है पहले तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया. तो हमें पूरी उम्मीद है आशा है कि आज भी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे. और श्रीराम राघवन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है और बहुत ग्रिपिंग फिल्म है. मैं बहुत खुश हूँ. देयर इज नोबडी एल्स हु कुड हैव डन दिस रोल एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. एंड मुझे लगता है दैट इट्स गोना बी द कूलेस्ट फिल्म ऑफ 2000. मुझे फिल्म देख के बहुत गर्व हुआ. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट. आप किसी भी चीज से कंपेयर कर लें लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है. ऑफ कोर्स वी विल मेक फाइव ऑफ देम. बस बस थैंक यू.